नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर देश से। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। लॉकडाउन का काउंटडाउन, जी हां, कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच देश में पाबंदियों का दौर शुरू हो चुका है। पहले नाइट कर्फ्यू और अब वीकेंड कर्फ्यू। राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते केसेस के बीच वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा, ओमिक्रॉन संक्रमितों को अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, इसके लक्षण भी हल्के हैं, इसीलिए ज्यादा सख्त पाबंदियां नहीं लगाई जा रही। मेट्रो और बसों में जहां 50% क्षमता से चलने की अनुमति थी, तो अब पूरी क्षमता के साथ इसे चलाने की मंजूरी दे दी गई। जहां दिल्ली में मेट्रो और बस स्टेशन से बाहर भारी भीड़ जुटी हुई नजर आती थी, ऐसे में और क्या 100% क्षमता के साथ मेट्रो और बस चलने से खतरा नहीं बढ़ेगा? डीडीएमए के ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के तहत दिल्ली में 5% पॉजिटिविटी रेट के बाहर रेड अलर्ट लगाना होगा, लेकिन फिर भी दिल्ली में रेड अलर्ट है ही नहीं। ऐसे में सरकार का ये फैसला कितना सही है, ये बड़ा सवाल है। दिल्ली में बढ़ती पाबंदी के बीच देश के कई और राज्यों में वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान हो सकता है। इस बीच ये कहना गलत नहीं होगा कि लॉकडाउन की तरफ देश फिर से बढ़ता हुआ। लॉकडाउन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, इसलिए अब अगर सावधानी नहीं बरती गई तो स्थिति भयानक हो सकती है। सरकार पाबंदियां लगाए, देश में लॉकडाउन लगे, उससे पहले हमें कोरोना से लड़ने के लिए तैयारियां पूरी करनी होगी, जिससे हम खुद को सुरक्षित रख सके, अपने परिवार, अपने आसपास के लोगों को बचा सके। और आज इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल बना हुआ है। पैनल का मैं तारुफ आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ डॉक्टर नरेश चावला जुड़े हुए हैं, जॉइंट सेक्रेटरी है आईएमए के, नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी। बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका। हमारे साथ हमारी संवाददाता भावना सिसोदिया जुड़ी हुई हैं, ITU से लाइव है हमारे साथ, और नसीम अहमद हमारे साथ, हमारे संवाददाता मुखर्जी नगर से लाइव है। डॉक्टर नरेश चावला, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। सबसे पहले मैं रुख करना चाहूँगी, चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगी भावना सिसोदिया आप ही के साथ। राजधानी दिल्ली में नाइट कर्फ्यू और अब वीकेंड कर्फ्यू, कल मिलाकर मोटे तौर पर देखा जाए, क्या देश लॉकडाउन की तरफ आगे बढ़ता हुआ? दिल्ली में अब जहां पहले नाइट कर्फ्यू चल रहा था, उसके तहत अब दूसरा वीकेंड कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। साथ ही साथ जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, उनका वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया है, और जो प्राइवेट ऑफिसेज हैं, वो 50% क्षमता के साथ खोले जा सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि बस और मेट्रो में फुल कैपेसिटी के साथ लोग यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से पीछे देखा गया था कि लंबी लंबी लाइनों के कारण लोग टाइम से ऑफिस नहीं पहुंच पा रहे थे, बच्चे एग्जाम सेंटर नहीं पहुंच पा रहे थे, उसको देखते हुए मेट्रो और बसों में फुल कैपेसिटी के साथ यात्रा का ऐलान तो किया गया है, लेकिन उसमें खास कहा गया है कि जो मास्क नहीं लगाएगा उसको यात्रा करने की परमिशन नहीं होगी। लेकिन भावना, ऐसे में सवाल उठ रहा है मन में, आशंका तेज होती हुई कि कहीं ये फैसला दिल्ली सरकार को भारी ना पड़ जाए। 100% क्षमता के साथ जाहिर सी बात है मेट्रो पूरी तरह से भर के चलेगी, और वो तस्वीरें हमने देखी भी है, महसूस भी की है। ऐसे में क्या ये खतरे को और ज्यादा नहीं बढ़ा देगी? जिस तरीके से कोरोना के मामले लगातार दिल्ली में बढ़ते जा रहे हैं, वो एक बहुत बड़े खतरे का संकेत है, जिस तरीके सरकार ने फैसला लिया है। लेकिन से जनता को अवेयर किया जा रहा है, जनता के हित के लिए ये चीज खोली गई है, तो हो सकता है जनता भी इस चीज को ध्यान रखे कि सरकार को ये सब चीजें दोबारा बंद ना करनी पड़े। और जिस तरीके से दिल्ली लॉकडाउन की तरफ चलनी शुरू हो गई है, वो लॉकडाउन दिल्ली में ना लगे। नसीम अहमद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नसीम, एक तरफ तो प्राइवेट ऑफिस में 50% क्षमता के साथ कहा गया है कि लोगों से काम करवाइए, दूसरी तरफ मेट्रो की बात कर ले या फिर बसों की बात कर ले, 100% क्षमता के साथ इजाजत दे दी गई है। आखिरकार ये प्लान क्या है? और दूसरी तरफ जरा बताइए, धरातल पर ओमिक्रॉन को लेकर, बढ़ रहे केसेस को लेकर किस तरह की स्थिति है? लहर में हुआ, वो दूसरी लहर में देखने को मिला, और इतना जागरूक किया गया, बड़े बड़े अभियान चलाए गए सरकार की तरफ से, लेकिन जनता जागरूक है या नहीं ये तो साफ नहीं हो पा रहा। लेकिन कहीं ना कहीं जनता और राजनीतिक पार्टियों की लापरवाही के चलते आज दिल्ली की वो स्थिति हो चुकी है कि आज वीकेंड कर्फ्यू लगाना पड़ रहा है, और यही स्थिति रही तो हो सकता है कि आने वाले अगले सप्ताह में कुल सप्ताह के लिए एक लॉकडाउन लगा दिया जाए, और जिसमें हर एक व्यक्ति को समस्या का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर बात यही थमती है
कि लॉकडाउन लगाने से लोग अपने घर में रुके और कोई किसी चीज की दिक्कत ना हो, ठीक चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से सेकंड लहर में देखने को मिला था, कोविड-19 ने अपना कहर फरमाया था, और वहीं अब लगातार पिछले साल के मुकाबले इस साल भी 24 घंटे में जैसे 5,000 से ज्यादा के केसेज जो है बढ़ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं लापरवाही रही है। और वहीं दिल्ली की बात करें तो कल पूरी दिल्ली के अंदर भाजपा की तरफ से सारी सड़कें जाम कर दी गई थी, जहाँ पे हजारों लाखों कार्यकर्ता दिल्ली की सड़कों पर दिखाई दिए और जनता जो आ रहे जाने वाली थी। लेकिन राजनेताओं को लगता नहीं है कि उनकी वजह से कोरोना बढ़ता है या फिर ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता हुआ नजर आता है, उनको तो सिर्फ दिखाई देती है आम जनता, क्योंकि टॉपिक ट्रांसफर कहीं ना कहीं सिर्फ आम जनता पर कर दी जाती है। डॉक्टर नरेश चावला हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी हैं आईएमए के। डॉक्टर नरेश, क्या वाकई में लॉकडाउन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, उसी दिशा में हमारा देश आगे बढ़ता हुआ? तो बहुत मुश्किल होगा कि लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, बट एक चीज स्पष्ट है कि ऑल अक्रॉस इंडिया केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। कि और मैं ये बात कहूंगा कि अगर मैं लोगों के बिहेवियर पे कमेंट करूं तो लोग बाग बिल्कुल भी कॉपरेट नहीं कर रहे हैं। हर कोई सड़कों पे, हर जगह पे, मॉल्स में भागता नजर आता है, मार्केट्स में। रिस्ट्रिक्शन दिल्ली में लगी हुई है, एनसीआर में, लेकिन तो भी कोई अच्छे से फॉलो नहीं कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में लग रहा है कि अगर इसी स्पीड से केसेस बढ़ते रहे और हमारे कुछ सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस, हमारे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर केजरीवाल जी, दिल्ली के बीजेपी के लीडर, उनको कोरोना हो गया है, तो उससे ना एक इतना ही कहा जाएगा कि शायद बहुत जल्दी फैसला करना पड़ेगा। क्योंकि अभी तक एक ही कंसोलेशन है कि जो हम केसेस देख रहे हैं क्लिनिक्स में, हॉस्पिटल्स में, वो थोड़े से माइल्ड हैं, लेकिन ये कब माइल्ड से थोड़े से बिगड़ जाएगा। और हॉस्पिटलाइजेशन जो अभी तक, ये भी दूसरी कंसोलेशन है कि हॉस्पिटलाइजेशन काफ़ी कम है अभी, तो उस पे ये कब बदल जाएगा। क्योंकि मैंने बाकायदा सुना है कि अमेरिका वगैरह में और यूरोप में हॉस्पिटलाइजेशन बहुत बढ़ती जा रही है, दैट मीन्स कि धीरे धीरे कुछ बिगड़ रहे हैं। और प्लस ये भी देखा जाएगा कि जो 60+ के पेशेंट्स हैं जिनको पहले से कोमोबिलिटीज हैं, वो भी बिगड़ सकते हैं। तो आई वुड से आफ्टरऑल जनता एक ही है, उसमें बच्चे भी हैं, जवान भी हैं और बूढ़े भी हैं। उसको देखते हुए लगता है कि हमें जल्द कोई सख्त फैसला जरूर करना पड़ेगा ताकि इस जो बढ़ते हुए केसेस को एटलीस्ट उल्टा किया जाए। यानी कि आपके मुताबिक और सख्ती के साथ पाबंदियां लगाई जानी चाहिए, लेकिन सर होता हुआ तो उल्टा नजर आ रहा है। मेट्रो के अंदर, बसों के अंदर 100% क्षमता के लिए इजाजत दे दी गई है, जो पहले 50% थी। देखिए, उसका जहां तक मैं फैसला समझता हूं, क्योंकि जैसे ही 50% कैपेसिटी में चलाया गया था तो देखा गया था कि मेट्रो के अंदर तो भीड़ कम हो गई थी, लेकिन मेट्रो के बाहर भीड़ डबल हो गई थी, चार गुनी हो गई थी। सो आई थिंक एक केयरफुल फैसला नहीं है पढ़ना था कि एटलीस्ट अगर इसमें मेट्रोज में और बसेस में अगर एक खास फासला दे के लोग बैठे और भीड़ भाड़ ना मचाएं, स्टैंडिंग अलाउ ना की जाए, तो एटलीस्ट मेट्रो के बाहर का तो कम हो जाएगा। तो आई थिंक बोथ आर इक्वल बिग इल्स, तो कहीं ना कहीं तो एक फैसला होना ही था कि कुछ ना कुछ किया जाए। आफ्टर ऑल ठंड का मौसम भी है, बाहर सर्दी में लोगों को आप मेट्रो के बाहर खड़ा कर दो, और प्लस वहां भी कोई कोरोना प्रिपेयर्ड लोग, बिहेवियर लोग फॉलो ना कर रहे हो, तो नुकसान तो दोनों दिशाओं में है। तो देखते हैं इसका क्या नतीजा निकलता है। लेकिन क्या अभी भी लॉकडाउन को रोका जा सकता है अगर लोग अपनी जिम्मेदारी को, अपनी जागरूकता के साथ काम करें, सिंसियरिटी के साथ काम करें, तो क्या इसे रोका जा सकता है? अभी भी समय बचा है हमारे पास, बिल्कुल बचा है। आज भी अगर लोग ईमानदारी से ऑल अक्रॉस अपना कोरोना प्रिपेयर्ड बिहेवियर फॉलो करें, फर्स्ट थिंग घर से जब लॉकडाउन लग जाएगा तभी तो घर पे ही रहोगे, और अब कुछ ऐसा काम किया जाए। आई थिंक अगर समझदारी इसमें हुआ है कि कुछ ऐसा काम हो जाए जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कम ना हो, लोगों का काम भी चलता रहे और साथ में कोरोना भी रुक जाए, तो ऐसा अगर हम चाल, हमारे लोग, हमारे जन थोड़ा सहयोग करें तो ऐसा हो सकता है। लेकिन मैं ऐसा हो सकता है बशर्ते अगर लोग चाहे तो। भावना सिसोदिया, आपकी वहां पर धरातल पर ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान लोगों से बातचीत हुई होगी, क्या लोग अब भी समझने को तैयार नजर नहीं आ रहे हैं, या फिर उन्हें लग रहा है, वो लोग सीरियस हो रहे हैं कि नहीं, वाकई में ओमिक्रॉन बहुत तेजी के साथ अपने पैर पसार रहा है, अब तो कम से कम सावधान होने की आवश्यकता है? बता दो कि पिछले दो कोविड लहर के बीच लोगों ने काफी सफर करा है, उसके बाद से
जो समझने को तैयार है वो बस गरीब तबके के लोग हैं, जो इस चीज को समझ रहे हैं, उनको लगता है कि कहीं ना कहीं अगर दिल्ली में तो उनको ज्यादा सफर करना पड़ेगा, लेकिन जो रेगुलर वर्किंग है, जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं, कोई चीज को समझने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। उनका ये कहना है कि अगर ऑफिस बंद हो गए तो हम लोग कैसे कमा पाएंगे, लेकिन इस चीज को गरीब तबका अपनी ओर ज्यादा ध्यान दे रहा है। गरीब तबके के लोग, जो मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग करी वहाँ पे जाके देखने को मिला कि गरीब तबके के लोग सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कर रहे हैं, मास्क भी लगाकर रखते हैं, चाहे वो रिक्शा वाले हों, वो रिक्शे में दो सवारी को ही बिठाते हैं, ज्यादा सवारी को नहीं बिठाते हैं, क्योंकि वो इस चीज को समझते हैं, लेकिन ऑफिस जाने लोग वाले लोग इस चीज को अभी अच्छे से नहीं समझ पा रहे। बिल्कुल, ऐसे में नसीम लोगों के मन में, उनके जहन में यह सवाल भी उठ रहा है कि जब यहाँ पर पॉजिटिविटी दर 5% से ज्यादा का हो चुका है, तब भी रेड अलर्ट क्यों नहीं लगाया जा रहा, बल्कि और राहत देने की बात सामने आ रही है। देखिए सिल्वा, मैं आपको बता दूं, अब लोगों के पास में दो रास्ते हैं, या तो वो अपने काम पर वाहन का सफर करते हुए पहुंच जाएं, ड्यूटी पहुंच जाएं, या फिर दूसरा अपने घर रहे। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से पूरी क्षमता के साथ में अब गाड़ियों को, मेट्रो को चलाने की बात की गई, बस को चलाने की बात की गई, पिछले कुछ दिनों पहले जब दिल्ली में जो प्रदूषण था वो अपने चरम पर था, उसी को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली सरकार की तरफ से प्राइवेट बसें हायर की गई थी और उन लोगों को बोला गया था कि आप इससे सफर कीजिए। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से दिल्ली की सड़कों पर और मेट्रो स्टेशन के बाहर में काफी ज्यादा तादाद में भीड़ देखने को मिल सकती है, तो कहीं ना कहीं इस भीड़ को काबू इस तरीके से किया जा सकता है कि वहाँ। लेकिन दिल्ली सरकार से नसीम उम्मीद भी क्या की जाए, जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और जब वो अपना सैंपल देकर आए थे, बावजूद उसको उन्होंने रैली की थी, खास कर वो न जाने और अन्य कितने लोगों को संक्रमित कर चुके होंगे, लेकिन उन्हें चुनाव की ज्यादा फिक्र थी, वोटों की ज्यादा चिंता थी। हालांकि अब फिलहाल रिपोर्ट के पॉजिटिव आने के बाद उन्होंने खुद को क्वारंटाइन कर लिया है। हमारे साथ है डॉक्टर नरेश शावला भी जुड़े हुए। डॉक्टर नरेश शावला, जाते जाते आपका फाइनल कमेंट चाहूंगी, क्या लग रहा है सर इंस्टेंटली क्या करने की आवश्यकता है ताकि देश लॉकडाउन से बच सके? एक ही है कि मैं आम जनता को अपील करूंगा कि देखिए, अगर लॉकडाउन हो गया तो भी तो आपको घर में बैठना पड़ेगा, तो ये मत सोचो कि मैंने सड़कों पे देखा है, लोग सोचते हैं कि मैं अपना काम कर लूं बाकी देखा जाएगा। अगर सब ऐसी सोच के साथ चलेंगे तो शायद लॉकडाउन तो लगेगा लगेगा, तकलीफें भी बढ़ेंगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी डाउन जाएगी। इसलिए मेरी अपील है कि आप कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो कीजिएगा, घर से फालतू मत निकलिएगा, मास्क जरूर पहनिएगा, और भीड़ भाड़ तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट नो नो है, चाहे वो पॉलिटिकल रैली हो। बिल्कुल, और लोगों को ये समझना होगा कि सरकार की गाइडलाइंस की आखिरकार इंतजार क्यों करना, ये आपकी जान है, आपको खुद से अपनी इस जिम्मेदारी को समझते हुए एप्रोप्रिएट एक्शन लेना होगा, कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भावना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नसीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर नरेश शावला हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। चलिए इसी के साथ इस खास चर्चा में फिलहाल बस इतना ही, बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ, नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड द जनतंत्र टीवी ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।